हेलो स्टूडेंट्स, आई एम देवज्योति घोष। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब SHM में मतलब साउंड में हम लोग ओपन पाइप, क्लोज पाइप और स्ट्रिंग ये सब करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, याद रखने की कोशिश करते हैं। ओके, उन दोनों के बीच इंटर रिलेशन क्या है, कैसे वहां पे प्रॉब्लम आता है, क्या पूछा जाता है, तो ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। मैं एक प्रॉब्लम ओरिएंटेड तरीके से आप लोग को ये प्रेजेंट कर रहा हूं ताकि सब कुछ एक साथ हो जाए। पहले हम लोग करेंगे ओपन पाइप और स्ट्रिंग एक साथ, एक्चुअली दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, तो देखिए कैसे किया जाएगा। सो पहले एक काम करो, दिख रहा है? ओके, पहले एक काम करो कि एक तरफ स्ट्रिंग करो, ओके, और एक तरफ ओपन पाइप कर। सर ये आप क्यों कर रहे हैं? देखो ओपन पाइप और स्ट्रिंग ना दोनों एक्चुअली सिमिलर ही है, राइट? तो चलो कर लेते हैं। ओपन पाइप मतलब दोनों तरफ ओपन। चलो हम लोग, बोर्ड छोटा है थोड़ा सा, तो दो दो करके करेंगे, ओके? तो दिस इज द सिंपलेस्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। यहां पे और ये, अच्छा हमेशा याद रखोगे कि एक ओपन एंड में हमेशा एंटी नोड होगा, पक्का? ओपन एंड में हमेशा एंटी नोड होगा और यहां पे क्लैश किया वहां पे नोड, तो यहां पे कैसा होगा? एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, ये ठीक है भाई? तो सिमिलरली यहां पे क्या होगा, देखो दोनों तरफ क्लोज एंड है ना, क्लोज एंड पे क्या फ्रॉम फॉर्मेशन होता है? नोड फॉर्मेशन होता है हमेशा, और यहां पे एंटी नोड। चलो दूसरा मोड यहां पे ड्रॉ कर दो, ऐसा। तो क्या नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड, नोड, बोलो नोड एंटी नोड का पोजीशन समझ में आ गया? ओके, अच्छा अब हम लोग क्या जानते हैं, दोनों नोड के बीच या फिर दोनों एंटी नोड के बीच डिस्टेंस क्या होता है, बोलो? लैम्डा बाय टू, ये जानते हैं ना हम लोग, ओके? और एक नोड और एक एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस क्या होता है? लैम्डा बाय फोर, ये पता है ना, ओके? अब चलो आगे बढ़ते हैं इसे। अच्छा तो लेंथ तो एल है, सबका एल है, ओके, इसका भी एल पकड़ो, इसका भी एल पकड़ो। अच्छा अब देखो ये जो डिस्टेंस है, पहले कैलकुलेट करो एक एंटी नोड, एक नोड और एक एंटी नोड, तो कितना हुआ भाई, बोलो? लैम्डा बाई फोर प्लस लैम्डा बाई फोर, मैंने बताया था ना एक नोड और एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस क्या होता है, लैम्डा बाई फोर करके, तो दोनों को प्लस कर लो कितना मिलेगा, लैम्डा बाई टू मिलेगा। ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो। और एक तरीका है जो मैंने बताया था, दोनों एंटी नोड, देखो दोनों एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस क्या होता है, लैम्डा बाई टू, ओके? ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो, ओके? तो देखो L लेंथ के लिए कितना हुआ, लैम्डा बाई टू, ये कंफर्म है, ओके? हम लोग बचपन से एक जानते हैं फॉर्मूला, V इक्वल टू N लैम्डा, N का मतलब फ्रीक्वेंसी, तो N इक्वल टू V बाई लैम्डा, V क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, ठीक? अच्छा यहां पे देखो लैम्डा इक्वल टू क्या, 2L ना, सो ये हो गया V बाई 12, ओके? दिस इज नोन एज, यहां पे लिखने की जगह नहीं है, लिखिए जरा सा, दिस इज नोन एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और लिखिए जीरो एथ ओवरटोन एंड फर्स्ट हार्मोनिक, तीन चीजें आप लोगों को लिखना है। क्या बोला, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, V बाई 12 इज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और
फास्ट हार्मोनिक, इसलिए बहुत जगह इसको एन वन भी लगा देते हैं। अच्छा लगा लीजिए, आप लोग भी लगा लीजिए, एन वन इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और जीरो है तो ओवरटोन, क्यों बोल रहा हूं बाद में पता चलेगा, और फर्स्ट हार्मोनिक, राइट आ गया समझ में, ओके। अब इस तरफ देखिए, मैं बोल रहा था ना दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, कैसे सिमिलर है देख लीजिए। अच्छा यहां पे आप लोग डिवीजन करके भी कर सकते हैं, क्या लैम्डा बाय फोर प्लस लैम्डा बाय फोर कितना होगा, दोनों मिला के लैम्डा बाय टू होगा, ऐसे भी सोच सकते हो। और ये नोड और नोड, दोनों नोड के बीच में डिस्टेंस कितना है बोलो, लैम्डा बाय टू, ऐसे भी सोच सकते हो। तो देखो सिमिलर सिनेरियो क्रिएट हो गया, यहां पे क्या हो रहा था, एल इक्वल टू लैम्डा बाय टू हो रहा था पक्का। यहां पे भी देखो सिमिलर सिचुएशन क्रिएट हो गया, लैम्डा बाय टू इक्वल टू एल, सो लैम्डा इक्वल टू टू एल। तो ये तो भाई तय है, यहां पे भी एन वन इक्वल टू क्या निकलेगा, V बाई ट्वेल्व ही निकलेगा। तो सर दोनों तो सिमिलर हो गया। हाँ भाई, जब भी ओपन पाइप और स्ट्रिंग करने जाओगे हमेशा याद रखोगे पैटर्न और करने का तरीका दोनों का ही सेम है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया सबको, ओके। अच्छा अब सर ये तो स्ट्रिंग है, ये तो ओपन पाइप है, कुछ ना कुछ तो अलग होगा ही, ओके। तो चलो वो दिखा देते हैं कैसे अलग होता है। देखो ये देखो पाइप से तो एयर जाता है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड भी एयर होगा यहां पे, और यहां पे तो स्ट्रिंग से साउंड जा रहा है एक मटेरियल में, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्ट्रिंग क्या होता है, v इक्वल टू होता है ना कट, सो v इक्वल टू रूट ओवर टी बाई एम। थोड़ा सा सावधान रहना है भैया, तो m इज नॉट इक्वल टू मास, सावधान, m इज मास पर यूनिट लेंथ, ओके थोड़ा सा सावधान रहना है। तो इस एक्सप्रेशन में देखो v की जगह क्या बैठा देना है, 1 बाई टू एल रूट ओवर टी बाई एम, बस इतना ही डिफरेंस है, बस v की जगह रूट ओवर टी बाई एम बैठा देना है। और एक बार बोल रहा हूं m इज नॉट मास, m इज मास पर यूनिट लेंथ, ओके बस इतना ही। सर जितना सेट होगा इसका, ये तो सिंपलेस्ट था, मतलब फर्स्ट हार्मोनिक वाला था, जीरो है तो ओवरटोन, और क्या बोला फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वाला था, और जितना भी होगा ओके पैटर्न जितना भी बढ़ता जाएगा सबके लिए दोनों का सेम होगा पक्का। क्यों सेम होगा समझ में आ गया, बस बी की जगह स्ट्रिंग में रूट ओवर टी बाई एम बैठा देना है पक्का। चलो दूसरा निकाल लेते हैं, तीसरा सब निकालते हैं धीरे धीरे, और दोनों में संपर्क क्या है, रिलेशन क्या है, ये हम लोग बात करेंगे। क्लोज पाइप का बात आज नहीं करेंगे, दूसरा किसी दिन करेंगे, ओके। अच्छा अब चलो इसके लिए देख लेते हैं, इसमें कितना है देखो, एंटीनोड टू एंटीनोड, एंटीनोड टू एंटीनोड, मतलब क्या लैम्डा वाई टू प्लस लैम्डा वाई टू, आ गया समझ में, ऐसे भी कर सकते हो, तो कितना हुआ लैम्डा हुआ। इसको और एक तरीका भी है देखो, लैम्डा बाई फोर लैम्डा बाई फोर लैम्डा बाई फोर प्लस लैम्डा बाई फोर, तो कितना सबको प्लस करके कितना मिलेगा, लैम्डा मिलेगा। तो किसी भी एक तरीका अपना सकते हो, छोटा छोटा डिवीजन में भी कर सकते हो, बड़ा बड़ा ऐसे डिवीजन में भी कर सकते हो, ओके। सिमिलरली इधर देखो सेम है, दोनों नोड लैम्डा बाई टू, यहां पर भी दोनों नोड लैम्डा वाई टू, दोनों मिलकर लैम्डा हुआ, सब कुछ सिमिलर रहेगा, ओके। तो चलो एल इक्वल टू लैम्डा, वी इक्वल टू एन लैम्डा, एन इक्वल टू वी बाई लैम्डा, सो क्या होगा, सो एल इक्वल टू तो लैम्डा, तो क्या हो गया वी बाई एल हो गया, ओके। सिमिलरली यहां पे भी होगा, अच्छा इसको एन टू बोल देते हैं, सेकेंड हार्मोनिक है ना,
इसलिए एन टू बोल देते हैं। यहां पे भी सिमिलर, ये सेट ही होगा। ओके तो यहां पे होगा क्या, सर वी बाई एल, सिर्फ वी की जगह क्या बैठा दोगे, क्या बैठेगा वी की जगह, बोलो अभी अभी बोला, सब चुपचाप हो गया यार, वीडियो हो रहा है इसलिए चुप हो गया यार। तो चलो रूट ओवर टी बाई एम बैठा देंगे। अब देखो यहां पे ना एक काम करेंगे हम लोग, फर्स्ट हार्मोनिक क्या था, फर्स्ट हार्मोनिक वाज एन वन क्या था, वी बाई टू एल। अब सिमिलरिटी करने के लिए हम लोग ना ऊपर नीचे टू और टू दे देंगे, दे सकते हैं ना, टू टू तो काट ही जाएगा, एक ही बात हुआ। ओके यहां पे भी टू बाई टूएल रूट ओवर टी बाई एम। एक्चुअली हम लोग रेशियो चेक करने के लिए ना ये डिनोमिनेटर को सिमिलर रखते हैं। ओके चलो और दोनों करेंगे, और दोनों करके देखेंगे कि क्या संपर्क होता है, क्या रेशियो होता है। अच्छा सिमिलरली देखो इसके लिए क्या, ये तो लैम्डा बाई टू है। ओके कितना सेट हुआ, तीन सेट हुआ, तो इंटू लैम्डा बाई टू प्लस लैम्डा बाई टू प्लस लैम्डा बाई टू। आप लोग मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, मतलब लैम्डा बाई टू इंटू थ्री ऐसे भी कर सकते हो, कितना थ्री लैम्डा बाई टू। अच्छा इसके लिए भी देखो नोड 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 कितना, लैम्डा बाई टू प्लस लैम्डा बाई टू प्लस लैम्डा बाई टू, कितना आया थ्री लैम्डा बाई टू। अच्छा इक्वल टू एल है ना, लेंथ तो एल है, बस थ्री लैम्डा बाई टू इक्वल टू एल, सो एल इक्वल टू टू एल बाई थ्री, वी इक्वल टू एन लैम्डा, एन इक्वल टू वी बाई लैम्डा, एन इक्वल टू वी बाई क्या, लैम्डा का वैल्यू बैठा दो टू एल बाई थ्री, थ्री ऊपर उठ जाएगा, क्या हो जाएगा थ्री वी बाई टू एल, ये एन थ्री है। ओके वी थ्री मत करो, एन थ्री मतलब इसे क्या कहा जाएगा, देखो थ्री मतलब ये थर्ड हार्मोनिक बोल सकते हैं, पहला वाला क्या था जीरो एथ ओवरटोन, जो सेकेंड होगा ओवरटोन मतलब हमेशा एक कम करके बोला जाएगा। ओके सो थर्ड हार्मोनिक सेकेंड ओवरटोन, बस इसे ये कहा जाएगा, तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या है ये। सिमिलरली इसे मैं नहीं कर रहा हूं, पूरा सेम कैलकुलेशन है, क्या होगा बोलो, थ्री वी बाई ट्वेल्व तो होगा ही, और वी की जगह क्या हो जाएगा बोला है ना, रूट ओवर टी बाई एम बैठ जाएगा। हो गया चलो और एक करेंगे, तब दोनों के साथ संपर्क क्या है वो हम लोग देखेंगे। अब लास्ट वाला मैं दिखा रहा हूं, देखो इसके आगे भी हो सकता है। ओके तो बस प्रैक्टिस के लिए दिखा रहा हूं, देखो ये तो कितना हुआ लैम्डा बाई टू, पता है कितना गैप है, एक दो तीन चार, मतलब लैम्डा बाई टू इंटू फोर। ओके प्लस कर सकता हूं, मतलब टू लैम्डा। ठीक यहां पे भी देखो एक दो तीन चार, तो एक का डिस्टेंस क्या होता है लैम्डा बाई टू इंटू फोर, कितना हुआ टू लैम्डा, बस तो लेंथ तो चेंज नहीं हुआ, एक ही है, एल इक्वल टू टू लैम्डा, सो लैम्डा इक्वल टू एल बाई टू, करेक्ट। और यहां पे भी लैम्डा इक्वल टू एल बाई टू, सिमिलर है। अच्छा अब सेम काम, वी इक्वल टू एन लैम्डा, सो एन फोर, हा मतलब इसे क्या कहा जाएगा, फोर्थ हार्मोनिक एंड थर्ड ओवरटोन। ठीक ठीक तो अच्छा अब देखो एन फोर इक्वल टू क्या, वी बाई लैम्डा, दैट इज वी बाई लैम्डा कितना एल बाई टू, तो टू वी बाई एल। हम लोग क्या करते हैं नीचे हमेशा टू एल रखते हैं रेशियो बनाने के लिए, बोला था ना। ओके तो टू अगर मल्टीप्लाई किया जाए ऊपर और नीचे तो फोर वी बाई टू एल लिखा जा सकता है इसे। ओके चलो कैलकुलेशन तो सिमिलर है, तो ये क्या होगा फोर बाई टू एल, और यहां पे रूट ओवर टी बाई एम बैठ जाएगा वी की जगह। ठीक तो ऐसे हम लोग आगे बढ़ेंगे,
सर ये इतना जो आप रिजल्ट आपने लिखा निकाले सर, इसको देख के सर क्या कंक्लूजन किया जा सकता है, क्या संपर्क है दोनों में, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे मैथ्स में अप्लाई करेंगे, चलो आप दिखाते हैं। ओके देखो यहां पे मैंने क्या बताया, ये किसका पिक्चर है बोलो, किसका पिक्चर है? सेकेंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक, किसका पिक्चर है भाई? सेकेंड हार्मोनिक का पिक्चर है ना। ओके तो दिस इज द पिक्चर ऑफ सेकेंड हार्मोनिक एंड फर्स्ट ओवरटोन। ओके अब देखो इसमें देखो कितना नोड है, 1 2। सो हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ नोड इक्वल टू नंबर ऑफ हार्मोनिक, बोल सकते हैं राइट। देखो इधर अलग है, कितना एंटीनोड है, दोनों एंटीनोड है। इधर नंबर ऑफ एंटीनोड इक्वल टू नंबर ऑफ हार्मोनिक, पक्का। और एक चीज देखो, फर्स्ट हार्मोनिक का एक्सप्रेशन क्या था बोलो, V बाई 12। सेकेंड हार्मोनिक का एक्सप्रेशन क्या था, 2V बाई 12। ओके थर्ड का क्या था, 3V बाई 12। फोर्थ का क्या था, 4V बाई 12 एंड सो ऑन। तो nth हार्मोनिक का एक्सप्रेशन क्या होगा, NV बाई 12 होगा। यहां पे भी nth हार्मोनिक का एक्सप्रेशन क्या होगा, NV बाई 12 होगा। और एक चीज ऑब्जर्व करना है आप लोग को, देखो रेशियो क्या है, 1:2:3:4। ये प्रॉब्लम में देख के ही आप लोग को पता चल जाएगा कि कौन सा पाइप है, ओपन पाइप या क्लोज पाइप या फिर कौन सा स्ट्रिंग है, तो रेशियो देख के पता चल जाएगा। तो रेशियो दोनों जगह कितना होगा, 1:2:2:3:4 एंड सो ऑन। यहां पे भी 1:2:2:3:4 एंड सो ऑन। क्लियर है ये टॉपिक? चलो और बताएंगे थोड़ा सा, एक बार देख लीजिए। अच्छा अगर आपको बोला जाए फॉर nth ओवरटोन फ्रीक्वेंसी क्या होगा, यहां पे भी क्या करोगे? अच्छा nth ओवरटोन हम लोग कैसे अरेंज किए थे, हार्मोनिक के हिसाब से अरेंज किए थे ना। ओके तो nth ओवरटोन का मतलब है n+1th हार्मोनिक, ठीक। तो फॉर nth ओवरटोन फ्रीक्वेंसी क्या होगा, n+1 V/12। यहां पे क्या होगा, फॉर nth ओवरटोन फ्रीक्वेंसी विल बी n+1 / √P/N। क्लियर? अच्छा चलो दूसरा एक करवाते हैं, देखते हैं कैसा सीखा आप लोगों ने। अच्छा अगर बोला जाए कि फॉर nth ओवरटोन नंबर ऑफ नोड कितना होगा और नंबर ऑफ एंटीनोड कितना होगा, दोनों का ही बताओगे जरा सा? कोई कुछ नहीं बता रहा है, आज वीडियो हो रहा है, एकदम चुपचाप बैठा है यार। ठीक है चलो मैं ही बता देता। तो फॉर nth ओवरटोन, nth ओवरटोन का मतलब क्या, कितना हार्मोनिक भाई, n+1th हार्मोनिक। और देखो अभी अभी मैंने लिखाया नंबर ऑफ हार्मोनिक इक्वल टू नंबर ऑफ क्या, नोड ना, नंबर ऑफ हार्मोनिक इक्वल टू नंबर ऑफ नोड। सो नंबर ऑफ नोड कितना होगा, n+1। नंबर ऑफ नोड इज, अच्छा यहां पे अलग है, आई एम सॉरी, स्वी का बात अलग है क्योंकि वहां पे एंटी नोड के हिसाब से होता है। अच्छा तो नंबर ऑफ नोड क्या होगा, n+1। ओके अच्छा नंबर ऑफ एंटी नोड कितना होगा, देखो एंटी नोड हमेशा नोड से एक ज्यादा है। देखो यहां पे कितना है, दोनों नोड है और एंटी नोड कितना है, 3 है ना। ओके तो नंबर ऑफ एंटी नोड क्या होगा, नोड तो n+1 है, एक ज्यादा एंटी नोड होगा तो ये हो जाएगा n+2। आया समझ में? ओके अच्छा यहां पे क्या होगा बताओ, nth ओवरटोन का मतलब
एन प्लस वन है थर्मोनिक, एन प्लस वन है थर्मोनिक, यहां पे नंबर ऑफ हार्मोनिक इक्वल टू नंबर ऑफ एंटीनोड। ओके, तो नंबर ऑफ एंटीनोड कितना होगा? एन प्लस वन। और यहां पे देखो उल्टा होगा, इसका उल्टा, देखो नोड एक ज्यादा है, दोनों एंटीनोड है और नोड एक ज्यादा है। ओके, तो नंबर ऑफ नोड कितना होगा? एक ज्यादा है, एन प्लस वन था, एन प्लस टू हो गया, दिस इज नंबर ऑफ नोड। बस थोड़ा सा फर्क है, लेकिन टेक्निकली दोनों ही सिमिलर है, तो ऐसे दोनों एक साथ कर लोगे, प्रॉब्लम निकल जाएगा। ओके, चलो चलते हैं, बाय बाय।